Okay guys, I have come live as I promised. So start kare zara ek naya, and the topic is capacity to party. Hello, kaise ho? अरे यार हाय तो बोल दो जो जो ऑनलाइन ऑनलाइन आया है. हेलो अरे बदतमीजो हाय भी नहीं बोल रहे ऑनलाइन आने के बाद. बोलो जल्दी जल्दी बोलो हेलो 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 हेलो. चलो कैपेसिटी टू पार्टी का मतलब क्या है? कैपेसिटी टू पार्टी का मतलब होता है हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. एज पर द कॉन्ट्रैक्टेड अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज फुलफिल्ड थ्री कंडीशन. दीपक चौधरी हेलो सर जी. फीज मेजर ही इज ऑफ साउंड माइंड ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. आई गेस बेटा यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए ना. माइनर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ माइनर? हु इज अ माइनर? माइनर का मतलब है जो 18 साल से बड़ा होता है उसको हम माइनर बोलते हैं. वो पर्सन जो 18 साल से बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर. उसको क्या बोलते हैं? माइनर. माइनर का मतलब होता है वो पर्सन जो 18 साल से बड़ा होता है. दैट वी कॉल्ड एज माइनर. दैट वी कॉल्ड एज माइनर. नाउ क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आंसर इज नो. सर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. सर माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा माइनर के द्वारा किए गए सारे एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं. माइनर के द्वारा किए गए सारे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड एब इनिशियो होते हैं. हेलो संतोषी. हेलो दीपक. सुजीत आर यू देयर? सर आज इसका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में. अच्छा अरे सुजीत आर यू देयर यार माय फेवरेट स्टूडेंट. पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा टाइम है कल. नॉट पॉसिबल. हाँ लगता है सुजीत भाई ऑनलाइन नियम से नाराज हो गए आज. हाँ नाउ सर सुन लीजिए. सुजीत भाई से बाद में बातें कर लेंगे हम सब. तो माइनर का मतलब क्या भैया? वो पर्सन जो 18 साल से छोटा दैट इज कॉल्ड एज माइनर. माइनर के द्वारा किए गए एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो नहीं होते. जो माइनर के द्वारा किए गए एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं. लाइक हो मैं गलत था तो मुझे रोका क्यों नहीं? चैट पे भेज सकते थे. एवरी एग्रीमेंट डन विद द माइनर इज अ वॉइड एब इनिशियो. माइनर के द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स क्या है? वॉइड एब इनिशियो. देयर वाज अ केस ऑफ मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष जिसके अंदर क्लियर कट ये बात किया गया था कि बेटा जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है वो किसके बेनिफिट के लिए बनते हैं? माइनर के बेनिफिट के लिए बनते हैं. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर. नाउ देयर इज अ केस ऑफ मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष. उस केस के बारे में जरा थोड़ा सा फोकस करते हैं. वो केस है क्या? इस केस के अंदर एक पॉइंट ये था कि जो डी होता है वो क्या करता है? एक लोन ले लेता है एम से. एम एक मेजर होती है और अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके वो क्या ले लेता है? एम से लोन ले लेता है. ठीक है भाई. बाद में यदि कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि साहब
कोर्ट के पास जाके कहता है साहब ये जो मेरे साथ किया गया एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है क्योंकि मैं कौन हूँ, माइनर हूँ, मैं कौन हूँ, माइनर हूँ, मैं कौन हूँ, माइनर हूँ, इसलिए मेरे साथ किए गए एग्रीमेंट्स क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। कोर्ट भी कहता है हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे साथ किए गए एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, इसलिए जो भी तूने मॉर्गेज रखी है वो सारी की सारी तुझे क्या मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो आपके द्वारा किए गए मॉर्गेज है वो सारी क्या कर ली जाएगी, आपसे वापस की कर दी जाएगी। ये क्लियर कट हेल्ड किया गया कि जो आपने मनी एडवांस किया है माइनर को, वो जो है माइनर को आपने जो मनी दिया है वो आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है। सिर्फ माइनर के ऊपर ही डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टोरेशन नहीं मिल लगता है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टोरेशन माइनर के लिए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसके द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रेट करते हो तो माइनर से ज़रूरी है कि आप जो भी माइनर को आपने वो दी हुई है, क्या कहते हैं, माइनर को जो भी आपने क्या दी हुई है, माइनर को जो भी आपने मनी एडवांस किया वो आप रिकवर कर सकते हो। नो, आपने जो माइनर को, आई एम नॉट सुरजीत रंजन, आई एम सुनील कुमार, सुरजीत सिंह, आई एम नॉट सेइंग टू यू दोस्त, ओ सुनील हाय, आई डू रिमेम्बर, आई एम नॉट सेइंग योर नेम, सुजीत माइट बी देयर, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, हमसे नाराज़ हो चुका लगता है। सुजीत वी आर वेरी सॉरी दोस्त, सुनील आई नो यू, मैं नाम नहीं लूंगा, बट लेट्स फोकस ऑन द स्टडी। तो भैया माइनर के द्वारा जो किए गए एग्रीमेंट्स है वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। सर जी हमेशा याद रखना बचपन की गलती जवानी में ठीक नहीं की जाती। सुरजीत इज इट, सुनील इज इट फॉर यू, सर बचपन के द्वारा की गई गलती जवानी में ठीक नहीं की जाती है। सर जी कहने का मतलब क्या है, अगर आपने बचपन में कोई गलती कर दी यानी माइनॉरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो आप उसे मेजर होने के बाद रेटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने माइनॉरिटी में कोई, सर इसमें वो गोल्डस्मिथ वाला एग्जांपल लिखाया था वो भी दो पेज में, भाई यार विशाल लेट्स नॉट डिस्कस द टुडेज एग्जामिनेशंस, वी विल फोकस ओवर द सीपीटी एग्जाम विच इज़ ऑन द 18th ऑफ जून, सो आई रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्कस एनी अदर बीकॉम एग्जामिनेशंस because it is not only distracting my mind but is also distracting the viewers mind, so please focus over the CPT examinations which is by my main concern, right? Thank you so much Vishal. बचपन के द्वारा की गई गलती को भैया जवानी में ठीक नहीं हो सकती है। सर बात क्या कह रहे हो आप, बेटा बात बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, कह रहा हूँ यानी आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनॉरिटी में आप उसे मेजोरिटी में रेटिफाई नहीं कर सकते। यानी माइनॉरिटी में किए गए कॉन्ट्रैक्ट को आप मेजोरिटी में क्या नहीं कर सकते, रेटिफाई नहीं कर सकते। अगर माइनर ने झूठ बोल के ये कहा मैं तो मेजर हूं और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर माइनर ने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, झूठ बोल के मतलब वो था तो माइनर लेकिन उसने क्या कहा कि भाई मैं तो मेजर हूं, ठीक है भाई मेजर है, कोई नहीं यार फ्रॉड कर लिया, क्योंकि भाई कानून किसके बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, माइनर के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। कानून किसके लिए बनाया जाता है, माइनर के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, कोई टेंशन नहीं है। जब कानून माइनर के बेनिफिट के लिए बनाया गया है तो आप माइनर से तो पैसा रिकवर ही नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर तो जाके क्या कह देगा, मैं तो माइनर हूँ। माइनर जाके क्या कह देगा, साहब मैं तो माइनर हूँ, और माइनर को जो पैसा दिया हुआ है वो आप रिकवर नहीं कर सकते। जो आपने माइनर को पैसा दिया हुआ है वो आप क्या नहीं कर सकते बेटा, रिकवर नहीं कर सकते। सर इस केस के अंदर क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस केस, इस केस के अंदर आप माइनर से पैसे तो रिकवर कर नहीं सकते, चाहे माइनर ने फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट कराओ चाहे कैसे कराओ। लेकिन एज पर सेक्शन नंबर 30 रीड विद सेक्शन नंबर 33 एज पर सेक्शन 30 रीड विद सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इस बारे में एक बात कहता है कि अगर माइनर ने फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट करा है अपने आप को, अगर माइनर ने क्या करा है, फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट करा है अपने आप को एज अ मेजर,
और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है, तो उस केस के अंदर, तो उस केस के अंदर माइनर को कोर्ट आदेश दे सकती है कि आप सामने वाले बंदे को कंपनसेशन दो। माइनर को कोर्ट क्या दे सकती है? आदेश दे सकती है कि आप सामने वाले बंदे को क्या दो? कंपनसेशन तो करो। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 30 एंड सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1933 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कोर्ट जो है माइनर को ये कह सकता है कि आप क्या दो? कंपनसेशन दो। किसको आप कंपनसेशन दो? आप कंपनसेशन दो किसको दो? माइनर को आप कंपनसेशन दो। आई गेस बेटा जी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो मेरे प्यारे प्यारे बेटाओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट क्या, अगर माइनर ने फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट करके, फ्रॉडुलेंटली मतलब मेजर बन के कॉन्ट्रैक्ट किया सामने वाले से झूठ बोल के, तो कोर्ट ये कह सकता है माइनर तो सामने वाले बंदे को कंपनसेट करो। दैट वाज हेल्ड इन द सेक्शन नंबर 30 एंड 33। ऑल्सो इसके अंदर एक पॉइंट ये है, अगर माइनर के पास सामने वाले का पैसा बचा हुआ है तो कोर्ट माइनर को कहेगा कि सामने वाले को बचा हुआ पैसा लौटा दे। सेकेंड इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा, कोर्ट ये कह सकता है माइनर को कि तूने अगर उसके पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्रॉपर्टी भी लौटा दे। कोर्ट ये कह सकता है तूने जो उसके पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्रॉपर्टी भी क्या कर दे? लौटा दे। यानी क्लियर कट बात है, यहाँ पे कोर्ट अगर माइनर का साथ दे रहा है तो सामने वाले का भी ध्यान रख रहा है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वैलिडिटी ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट जॉइंटली विद अ मेजर एग्रीमेंट, मेजर वैलिडिटी ऑफ अ माइनर्स एग्रीमेंट जॉइंटली विद द मेजर एग्रीमेंट। सर इसका मतलब क्या है? बेटा माइनर और मेजर ने मिलकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, बेटा माइनर एंड मेजर ने मिलकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो उस केस के अंदर, अगर माइनर एंड मेजर ने मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो उस केस के अंदर बेटा मेजर तो लायबल रहेगा लेकिन माइनर लायबल नहीं रहेगा। जैसे मैं माइनर हूँ, मिस्टर एक्स मेजर, हम दोनों ने मिलके कॉफ़ी रेस्टोरेंट में जाके कॉफ़ी पी ली, तो मेजर को पेमेंट करनी पड़ेगी, मुझे करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं कौन हूँ? माइनर। एनी कॉन्ट्रैक्ट विच अ माइनर हैज एंटर्ड विद अ मेजर, इन दैट कॉन्ट्रैक्ट मेजर विल बी लायबल, माइनर विल नॉट बी लायबल। क्या माइनर एज अ पार्टनर बन सकता है? आंसर इज नहीं, नहीं बन सकता। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है, सारे के सारे पार्टनर एग्री हो जाएं तो माइनर क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है। इसका एक एक्सेप्शन ये है, अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री हो जाए तो माइनर क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है। क्या माइनर एज ए एजेंट बन सकता है? यस, माइनर एज ए एजेंट बन सकता है। सर क्यों एजेंट क्यों बन सकता है? क्योंकि एजेंट तो कॉन्ट्रैक्ट करता है और प्रिंसिपल लायबल रहता है, एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रिंसिपल लायबल रहता है, इसलिए माइनर क्या बन सकता है? एज एन एजेंट बन सकता है। इसलिए माइनर क्या बन सकता है? एज एन एजेंट बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वो करेगा लेकिन प्रिंसिपल लायबल रहेगा। माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता लेकिन माइनर एजेंट एजेंट बन सकता है। क्या माइनर किसी कंपनी का शेयर होल्डर या मेंबर बन सकता है? एब्सोल्युटली यस। अगर माइनर के पास किसी कंपनी के फुली पेड अप शेयर्स है, अगर माइनर के पास किसी कंपनी के फुली पेड अप शेयर्स है एंड उसके आर्टिकल्स में उसको प्रोहिबिट नहीं किया गया तो माइनर क्या बन सकता है? एजेंट बन सकता है, वो सॉरी शेयर होल्डर बन सकता है। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? ना बाबा ना, माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? ना बाबा ना, माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। लेकिन कुछ केसेस में जाने से पहले एक पॉइंट को समझ लो, माइनर के कामों के लिए उसके गार्जियन लायबल नहीं होते, माइनर के कामों के लिए उसके गार्जियन लायबल नहीं होते। अरुण योर डाउट इज, सर ऐसा कभी हो सकता है कि माइनर ने चीट किया था पहले, सो लॉ उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर, सो लॉ उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दे। अरुण योर डाउट इज नॉट क्लियर, अनटू अनलेस योर डाउट इज क्लियर नॉट क्लियर आई विल नॉट एबल टू आंसर योर डाउट, आई एम रियली सॉरी।
but your doubt is not clear to me. I'll be taking care of your doubt if you send it clearly. Contract for the supply of necessaries. करने से पहले एक point समझ लो. क्या minor के कामों के लिए उसके guardian liable होते हैं? ना बेटा. Minor के कामों के लिए उसके guardian liable नहीं होते. Minor के कामों के लिए उसके guardian बिल्कुल भी liable नहीं होते. Minor के कामों के लिए minor खुद liable होता है. उसके guardian liable नहीं होते. Minor is not liable. Guardian is not liable for the acts of the minor. तो बेटा minor हो. ये मत करना, अब जाके शीशा फोड़ देना किसी को, कहना जी हमारे काम हो गए, हमारे गार्जियन लाइबल नहीं है, हम तो लाइबल है, कर लो जो कर रहा है. हाँ भाई, अबे नहीं बेटा, जुडिशियल कोर्ट में तेरे को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में ले जाया जाएगा, टेंशन नक्को. तो माइनर के कामों के लिए गार्जियन लाइबल नहीं होते. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ नेसेसरीज. बेटा यहाँ पे वर्ड नेसेसरीज लिख रहा है. देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वन इज नेसेसिटी, देन इज नेसेसरी. बेटा नेसेसरीज और नेसेसिटी में बहुत फ़र्क है. नेसेसिटी का मतलब होता है कोई चीज जो जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी है, कोई चीज जो जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी है वो नेसेसिटी है. लेकिन किसी बंदे के स्टेटस को ज्यों का त्यों मेंटेन करने के लिए, लेकिन किसी बंदे के स्टेटस को ज्यों का त्यों मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, दैट इज़ नेसेसरीज. किसी बंदे के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, किसी बंदे के स्टेटस को ज्यों का त्यों मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है, दैट इज़ अ नेसेसरीज. उसको हम क्या बोलते हैं? नेसेसरीज बोलते हैं. अगर किसी माइनर को आपने नेसेसरी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करा है, अगर किसी माइनर को आपने नेसेसरी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो. अगर आपने माइनर को नेसेसरी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल किसी के माँ बाप मर गए, आप उसको रोटी कपड़ा उसके स्टैंडर्ड के अनुसार, उसके एजुकेशन, उसको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हो जो उसके माँ बाप देते थे, तो आप उसकी प्रॉपर्टी में से तो रिकवर कर सकते हो, लेकिन आप उसे पर्सनली लायबल नहीं बना सकते. तो आप उसकी प्रॉपर्टी में से तो रिकवर कर सकते हो, लेकिन आप उसे पर्सनली लायबल नहीं बना सकते. इसका मतलब ये है कि अगर आप माइनर की को कोई नेसेसरी सप्लाई करते हो, एंड विच इज नेसेसरीज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड विच इज नेसेसरीज एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द नेसेसरीज, विच इज नेसेसरीज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज दैट इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ सप्लाइंग, देन दैट नेसेसरीज कैन बी रिकवर, द कॉस्ट ऑफ दैट नेसेसरीज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. That necessaries can be recovered from the property of the minor. I guess यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी. बेटा यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. This point must be clear with everyone. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. Now, अगर minor के लिए कोई काम उसके guardian ने करा है, अगर minor के लिए उसके guardian ने कोई काम करा है, अगर माइनर के लिए उसके गार्जियन ने कोई काम करा है, तो बेटा ये चीज़ याद रख लेना कि गार्जियन ने अगर उसके बेनिफिट के लिए कोई भी काम करा है, तो गार्जियन ने अगर उसके बेनिफिट के लिए कोई भी काम किया है, तो माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है. अगर माइनर के बेनिफिट के लिए गार्जियन ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो माइनर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है? लायबल है. आई गेस दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन. Guys, if you have any doubt, you can message me the number. My number is 9654194145. Now question is, unsound mind ka person kaun hota hai? Unsound mind ka person hum usse kehte hain, the wo person jo contract ke time pe, contract karne ke time pe, contract ki terms and condition ko, contract karne ke time pe, contract ki terms and condition ko understand nahi kar pata, and contract se hone wale effect ko apne upar judge nahi kar pata, उस पर्सन को हम अनसाउंड माइंड का पर्सन कहते हैं. द पर्सन हु इज़ नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड द पर्सन इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड, द पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द पर्सन इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हिम कॉन्ट्रैक्ट ओवर हिम, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड.
यहाँ तक बात समझ में आया या नहीं आया? आई गेस बेटू जी यहाँ तक बात समझ में आ जाना चाहिए। जो अनसाउंड माइंड के पर्सन होते हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं इडियोटिक, लुनाटिक, आपके ड्रंकन, इंटॉक्सिडेंट, बेटा इडियोटिक होता है वो पर्सन जो कि हमेशा के लिए, हम बचपन से ही पागल है, जो हमेशा के लिए पागल है, जो हमेशा के लिए अनसाउंड माइंड का, वो इडियोटिक पर्सन है। लुनाटिक है वो पर्सन जो किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी हादसे की वजह से, किसी हादसे की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या किसी सदमे की वजह से अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है, उस पर्सन को हम बोलते हैं लुनाटिक। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ करते हो, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ करते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ करते हो, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। गाइज एक चीज़ और है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अभी लाइव में अगर आपको समझ में आ रहा है फास्टली एक बार ओके ओके भेज दीजिए, ताकि मुझे अंडरस्टैंड हो जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। नाउ पॉइंट ये कि अगर आप अनसाउंड माइंड के पर्सन हो लेकिन कभी कभी साउंड माइंड के हो जाते हो, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? व्हेन अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड एंड ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। जैसे जो लुनाटिक होता है वो लूसिड इंटरवल्स, मतलब जब वो ठीक हो जाता है तब वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? ऑफकोर्स यस कर सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कोर्ट में जाके कौन प्रूफ करेगा कि जिसने जिस टाइम उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम उसे वो साउंड माइंड का था, कौन करेगा ये प्रूफ? कानून कहता है वो पर्सन प्रूफ करेगा, उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा जो पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहता है। अगर अनसाउंड माइंड वाले पर्सन वाले लोग कहते हैं तो अनसाउंड माइंड पर्सन वाला कहेगा, या अदरवाइज अदर पार्टी वाला कहता है तो वो प्रूफ कर दे। अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन कहता है कि भैया मुझे तो सब कुछ, अनसाउंड माइंड के पर्सन वाले कहते हैं कि भैया भाई साहब जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब ये साउंड माइंड का, तो आप प्रूफ कर दे। कोर्ट तो ये ज़ूम करेगा ना जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट, भैया वो अनसाउंड माइंड का हमेशा ही अनसाउंड माइंड का रहेगा। इसलिए द पर्सन हु अफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट विल प्रूव दैट कि द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। कौन करेगा? द पर्सन हु अफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट। बट अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अ पर्सन विच इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब जो पर्सन जो जनरली साउंड माइंड का रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट जब नहीं कर सकता जब अनसाउंड माइंड का हो जाता है। इस केस में कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा भाई साहब मैं तो ये सोच रहा था, भाई साहब मैं तो ये समझ रहा था कि ये जो पर्सन है सामने वाला भैया जी है ये तो हमेशा साउंड माइंड के रहते हैं। अब वो बंदा कोर्ट में प्रूफ करेगा कि जिस टाइम इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अनसाउंड माइंड का, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवाना चाहता हो। तो कोर्ट सही है ना भैया, जो सामने मुझे ठीक लग रहा है मैं तो हमेशा अज्यूम करूंगा ना कि इसने कॉन्ट्रैक्ट ठीक माइंड का करा होगा। आप कहते हो जी ये पर्सन अनसाउंड माइंड का, या जो साउंड माइंड वाला पर्सन है वो कहता है जी मैं तो अनसाउंड माइंड का था, तो तू प्रूफ कर दे। और सामने वाला कहता है जी ये तो अनसाउंड माइंड का था जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो तू प्रूफ कर दे। जो पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर रहा है वो बंदा प्रूफ कर देगा। यहां तक बात समझ में आ गई? बेटा जो अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है उसकी भी पोजीशन वैसी ही रहती है जैसी माइनर की रहती है। जैसी माइनर की पोजीशन है वैसी अनसाउंड माइंड के पर्सन की पोजीशन रहती है। नाउ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है कि साहब वो पर्सन जिनको कानून ने कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफाई किया हुआ है, या कानून ने ये कह रखा है अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। अब ऐसे कौन कौन लोग हैं? फर्स्ट एग्जांपल है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है?
एलियन एनिमी का मतलब वो होता है जो दुश्मन कंट्री का निवासी, वो उस देश का निवासी जिसके साथ इंडिया युद्ध में है, उस देश का निवासी जिसके साथ इंडिया युद्ध में है। सर अब बात करो सर, 18 जून को है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल है, लिखा हुआ है कंफर्म। अच्छा, और आप यहाँ पे लाइव आए हुए हो, आपको नहीं पता इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच चल रहा है ना? बेटा पता है, लेकिन फिर भी मैं लाइव हूँ। चलो स्कोर ही बता दो जो भी होगा। देख बच्चे अब फटाफट टाइप करेंगे। एलियन एनिमी का मतलब क्या है? कि वो पर्सन जो कि जिस कंट्री का निवासी है जिसके साथ हम किस में बेटा युद्ध में है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एलियन एनिमी। ठीक है भाई, जिस कंट्री के साथ हम युद्ध में, अगर उसके साथ उस कंट्री के निवासी के साथ अगर हम ड्यूरिंग द वॉर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। यार उस पाकिस्तानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा, अपने देश के साथ आप गद्दारी करोगे? नहीं भाई, वो हमसे पैसे भी नहीं रिकवर कर सकते। पैसे भी रिकवर करने हैं ना हमसे उन्हें ड्यूरिंग द वॉर, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई परमिशन नहीं देगी। यानी ड्यूरिंग द वॉर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ वॉइड एब इनिशियो। लेकिन सर बिफोर द वॉर कर आए तो बेटा वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? आपको जो है आप वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म सस्पेंड हो जाएंगे। अगर वो पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, अगर वो पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट नहीं है तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। यानी आफ्टर द वार वो जो है सुरजीत सिंह 233 पे एक। अरे ये भी बता दियो भाई, विराट कोहली और उसने कितने रन बनाए? अच्छा रोहित शर्मा सेंचुरी मार गया, विराट कोहली हाफ सेंचुरी ना भाई, इंडिया चली जाएगी फाइनल में अच्छे रनों से आएगी। थैंक यू सुनील। तो भाई साहब जो भी एलियन एनिमी के साथ जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करे होंगे वो टर्मिनेट हो जाएंगे वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वाले, और ड्यूरिंग द वॉर वाले तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। फॉरेन सॉवर्जिन एंड फॉरेन एम्बेसडर, सर ये फॉरेन सॉवर्जिन और फॉरेन एम्बेसडर का मतलब क्या है? जो दूसरी कंट्री से हमारे देश में डिप्लोमेट्स आए हुए होते हैं, उन डिप्लोमेट्स के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप उनके अगेंस्ट तो केस नहीं कर सकते, वो आपके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ये जो फॉरेन कंट्री के डिप्लोमेट्स, फॉरेन कंट्री के जो भी एम्बेसडर्स आए हुए हैं उनके साथ अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो करा है वो जो फॉरेन एम्बेसडर या फॉरेन सॉवर्जियन है, अगर आपने उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन आप उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, वो आपके अगेंस्ट केस कर सकते। अगर आपको उनके अगेंस्ट केस करना है तो आपको भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई भी परमिशन नहीं देगी। अगर आपने फॉरेन सॉवर्जियन ने अपने किसी एजेंट के थ्रू केस करा है, फॉरेन सॉवर्जियन ने अगर किसी एजेंट के थ्रू केस करा है तो फॉरेन उस एजेंट के खिलाफ आप केस कर सकते हो, लेकिन फॉरेन सॉवर्जियन या फॉरेन एम्बेसडर के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। कन्विक्ट्स, सजायाफ्ता कैदी, जो भी बंदा सजायाफ्ता कैदी है वो कॉन्ट्रैक्ट में जब भी एंटर कर सकता है जब उसकी सज़ा कंप्लीट हो गई हो। अगर सज़ा कंप्लीट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो पेरोल पर आ गया है, अगर वो पेरोल पे आ गया, सर पेरोल का मतलब क्या है? जेल से छुट्टी मिल गई है। अगर उसको जेल से छुट्टी मिल गई है तो जब से जेल से जितने दिन उसको जेल से छुट्टी मिली है तब उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी जब वो जेल से बाहर आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जेल से बाहर दो केसेस में आता है, या तो उसकी सज़ा पूरी हो गई हो या उसे जेल से छुट्टी मिल गई हो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंपनीज या कॉरपोरेशन, बेटा जो भी कंपनीज होती है कॉरपोरेशन होती है उनके अपने एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, कंपनी का स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है जिसके अंदर डिफाइन किया होता है कि आप जो है आप कौन कौन से क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल के अंदर ये बात दी हुई थी आप कौन कौन से क्या कर सकते हो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। यानी आप कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई, अगर उस पर्पस के बाहर अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपके द्वारा किए गए काम वॉइड एब इनिशियो होंगे। आपके द्वारा किए गए काम क्या होंगे बेटा?
वॉइड ऐप इन इशू होंगे, यानी अगर आप कंपनी हो तो आप कौन से काम कर सकते हो, आप वही काम कर सकते हो जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर है, और वो ऑब्जेक्ट क्लॉज कहाँ पे गिवन है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आई गेस बेटा जी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई हो तो प्लीज़ ओके लिख के भेज दीजिए जिसको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया। इंसॉल्वेंट, जो भी बंदा इंसॉल्वेंट होता है, जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जब बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी कहने का मतलब ये है जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो वो जो है अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्या सर वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। थैंक यू अरुण, थैंक यू दीपक। क्या वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे वो जॉब करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सर्विस करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसॉल्वेंट की जो सारी प्रॉपर्टी चली जाती है वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड ऑफिशियल असाइनर के पास चली जाती है, यानी उसका ऑफिशियल असाइनर उसकी सारी प्रॉपर्टी को बेचता है। आई गेस दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन। आई गेस अरुण दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। दीपक, सुजीत, अनीस, विशाल, थैंक यू सो मच। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर चैप्टर विच इज़ अ फ्री कंसेप्ट। देखो अभी 9:31 हो गए हैं, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा फ्री कंसेंट वाला आई विल बी लाइव देयर। उसके बाद टुमारो में मैं 3 लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कल पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज वेल एज सेल्स एंड पार्टनरशिप कंप्लीट करवाना है। बट टुमारो आई विल बी लाइव एट 3:00। Please, if you inform as much as you can inform to your friends, you guys, so that they can benefit of the, they can get the benefit of the videos. Now, free consent. Consent का मतलब क्या होता है? Same thing in the same sense. Santosh Shari there. Same thing in the same sense. When there is a same thing in the same sense, then we say that there is consent. Any simple si baat to main baat karu? When there is meeting of minds. So, ji, meeting of minds ka matlab kya hai? Jab dono party kisi cheez pe, dono party एग्री हो जाती है, व्हेन देन देयर इज अ कंसेंट, मतलब आप कुछ और सोच रहे हो सामने वाला कुछ और सोच रहा है, तो इस केस के अंदर आपके द्वारा जो किया गया कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। आपके द्वारा जो किया गया कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, यानी आप कुछ और सोच रहे हो, आपके द्वारा जो किया गया कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है अगर आप कुछ और सोच रहे हो और मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो भाई बॉस क्लियर कट पॉइंट है, जब आप कुछ सोच रहे हो और मैं कुछ सोच रहा हूँ, देन देर इज़ नो मीटिंग ऑफ माइंड। जब आप कुछ और सोच रहे हो और मैं कुछ और सोच रहा हूँ, देन देर इज़ नो मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड कुछ हो रहा है जब आप सोच रहे, आपकी सोचो मेरी सोच मिल जाती है। आप भी सोच रहे हो कि मैं आपको फरारी बेच रहा हूँ और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं आपको फरारी बेच रहा हूँ। वेन देर इज अ मीटिंग ऑफ माइंड ओनली वेन देर इज अ कंसेंट। द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 13। एब्सेंस ऑफ कंसेंट को हम बोलते हैं एरर इन कंसेंसस। एब्सेंट ऑफ कंसेंट को हम क्या बोलते हैं? एरर इन कंसेंसस। एरर इन कंसेंसस का मतलब क्या है कि भैया
आप सामने वाले की सोच और आपकी सोच मिलती नहीं है. व्हेन दे व्हेन आपके और सामने वाले की सोच नहीं मिलती, देन बी कॉल्ड एज देर इज एन एरर ऑफ कंसेंसस. व्हेन देर इज एरर इन कंसेंसस देन देर इज नो. सॉरी, ये इंसॉल्वेंट वाले पॉइंट को एक बार बता देना, ठीक है. अनिस, आई रिपीट वंस अगेन, थोड़ी देर बाद मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुन लेना. एरर इन कंसेंसस का मतलब क्या है? एरर इन कंसेंसस का मतलब है सेम थिंग इन द सेम सेंस. सेम थिंग इन द सेम सेंस. आई गेट दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद यू. एरर इन कंसेंसस का मतलब है देर इज नो सेम थिंग इन द सेम सेंस. देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड. व्हेन देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड देन देर इज नो कंसेंट. व्हेन देर इज नो कंसेंट देन देर इज नो एग्रीमेंट. व्हेन देर इज नो एग्रीमेंट देन देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट? When the consent is not taken by using coercion, undue influence, mistake, fraud, when consent is not taken by coercion, undue influence, mistake, fraud or misrepresentation, then consent is said to be free. When there is no free consent, when the consent is taken by either of the means, it's coercion, undue influence, mistake, fraud or misrepresentation, then we called as there is error in causa. कौसा हम उसे क्या बोलेंगे? एरर इन कौसा. व्हेन देयर इज एरर इन कौसा देन एक्सेप्ट फ्रॉड दैट इज इन केस ऑफ कॉशन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल. एक्सेप्ट फ्रॉड इन केस ऑफ कॉशन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल. दैट इज कॉन्ट्रैक्ट देन दैट मीन्स दैट contract is enforceable at the option of the party whose consent is not free. The person whose consent is not free, that person has a choice, either he want to rescind the contract or either he want to perform the contract. It's up to that person. If he want to, it ye us person ke upar depend karta hai ki wo chahe to us contract ko valid bana sakta hai ya wo chahe to us contract ko kya bana sakta hai? Void bana sakta hai. अब जब मैं कॉर्शन के बारे में बातें कर रहा हूँ तो कॉर्शन है क्या? सेक्शन नंबर 15 हैज डिफाइंड व्हाट कॉर्शन इज ऑल अबाउट. कॉर्शन का मतलब ये है कि जोर जबरदस्ती से किसी की कंसेंट लेना. जोर जबरदस्ती से किसी की कंसेंट लेना. सेक्शन नंबर 15 के अंदर कॉर्शन को डिफाइन किया गया है. सेक्शन नंबर 15 के अंदर कॉर्शन को डिफाइन किया गया है. सर ये कॉर्शन है क्या? अगर किसी की कंसेंट ली गई है कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, इस एक्ट को कमिट करने की धमकी देना, अनलॉफुल डिटेनिंग या थ्रेट टू अनलॉफुल डिटेन ऑफ प्रॉपर्टी. बेटा किसी ऐसे एक्ट को करने की धमकी देना जो इंडियन पिनल कोड ने करने से मना कर रखा है, या किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती क्या कर लेना? कब्जा कर लेना. किसी की प्रॉपर्टी क्या कर लेना भाई साहब? जबरदस्ती कब्जा कर लेना. ऐसा एक्ट करने की धमकी देना जिसको इंडियन पिनल कोड ने करने से मना कर रखा है, या ऐसा एक्ट करना जिसको इंडियन पिनल कोड ने करने से मना कर रखा है, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेना या किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की धमकी देना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉर्शन. इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? कॉर्शन. अगर कॉर्शन है, अगर इनमें से कोई भी एक्ट करके अगर आपने सामने वाले बंदे की प्रॉपर्टी कब्जा करी, कौन सा एक्ट? ऐसा एक्ट करना जिसको भारतीय दंड संहिता ने उसे मना कर रखा है, ऐसा एक्ट करने की
धमकी देना या किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेना या प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की धमकी देना, दैट इज कॉल्ड एज ऐसे एक्ट को हम बोलते हैं, ऐसे एक्ट को बोलते हैं हम कॉर्शन। अगर कहीं पे भी कॉर्शन है, अगर कहीं पे भी क्या है दोस्त, कॉर्शन है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बेटा, वॉइडेबल बन जाएगा। विनायक ठाकुर सर जी इंडिया वॉन बाय 9 विकेट्स, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स। अभी मुझे बेटा पढ़ाने दे, इट्स गेटिंग लेट फॉर यू एंड फॉर मी। आपके लिए क्या, आप तो आराम से घर पे बैठे हो एंड आई एम स्टिल इन द क्लासरूम्स। सो इफेक्ट ऑफ कॉशन इज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बेटा, वॉइडेबल हो गया। किसकी इच्छा पर वॉइडेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया किसकी इच्छा पर, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है दोस्त, रिसाइंड कर सकता है। कौन प्रूफ करेगा कि भाई साहब कॉशन अप्लाई किया गया, भाई जब आपके साथ कॉशन अप्लाई किया गया ना तो आप ही तो प्रूफ करोगे ना, जब आपके साथ अगर कॉशन अप्लाई किया गया तो आप प्रूफ करोगे, कोई और क्यों प्रूफ करेगा, द पर्सन टू होम कॉशन इज अप्लाइड वही तो प्रूफ करेगा ना कि कॉशन अप्लाई किया गया है। अगर मैंने आपके ऊपर अप्लाई किया तो आप ही प्रूफ करोगे ना सर जी हमारे साथ कॉशन अप्लाई किया गया है। अगर आप सामने वाले को झूठा केस करने की धमकी दे रहे हो तो वो तो कॉशन है, मैं कह रहा हूँ भाई मैं तेरे खिलाफ कुछ और केसेस कर दूंगा तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, वो तो कॉशन है, क्योंकि झूठा केस करने करना, झूठा केस करने की धमकी देना वो इंडियन पिनल कोड में करने से मना करा हुआ है। लेकिन आप मेरे पैसे नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूँ मेरा पैसा दे दे नहीं तो मैं तेरे खिलाफ केस कर दूंगा, वो सच्चा केस है, वो इंडियन पिनल कोड में मना नहीं करा हुआ, ये सच्चा केस करने की धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ आपके साथ तब तो वो वैलिड है। लेकिन अगर झूठा केस में करने की बात करके मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहा हूँ तो वो क्या है बेटा, मेरा कॉर्शन है, वो क्या बेटा, कॉर्शन है। बेटा जी यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई, आई गेस मेरे प्यारे प्यारे बेटा हो यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई भी बात छुपी नहीं होनी चाहिए। नाउ देयर इज अ केस ऑफ चिंचमा अमीराजू वर्सेस, चिंचमा अमीराजू वर्सेस शेषमा, जिस केस में कहा गया था अगर आप सामने वाले को सुसाइड करने की धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, अगर आप सामने वाले को सोसाइट में धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की बात कर रहे हो तो उस केस के अंदर उस चीज को भी हम क्या मानेंगे, कॉर्शन मानेंगे, उस केस में हम उस चीज को भी क्या मानेंगे, कॉर्शन मानेंगे। यानी अगर आप सामने वाले को धमकी देके क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर की बात कर रहे हो, यानी आप सामने वाले को धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की बात करो तो उस केस में उसको हम क्या मान लेंगे, कॉर्शन मान लेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपकी इच्छा पे क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, आपकी इच्छा पे वॉइडेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सुसाइड करने का अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इंडियन पिनल कोड में पनिशेबल है, और जिस चीज को पनिशेबल है तो यार वो ऑटोमेटिकली फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड है। यहाँ तक बात समझ में आया या नहीं आया बेटू जी जो लाइव वॉच कर रहे हैं, समझ में आ गया ना, सेंड एन ओके प्लीज। नाउ आई गेस दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन, इज इट, सर जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहब क्या इंडियन पिनल कोड उस जगह पे लगा होना चाहिए जिस जगह पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या इंडियन पिनल कोड उस जगह पे लगा होना चाहिए जिस जगह पे आप बात कर रहे हो। इस पॉइंट पे ये बात है कि द कॉर्शन का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि सर कमिटिंग एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, थ्रेट टू कमिट एक्ट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, कमिटिंग एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, सेट टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, कहीं पे भी ये बात नहीं करी कि जो एक्ट आपने करा है दैट शुड नॉट बी अप्लाई ओवर द इंडिया, कहीं पर भी ये बात नहीं की गई है। हर जगह ये बात क्लियर कट की गई है कि ये एक्ट ऐसा करना
जो इंडियन पीनल कोड ने मना कर रखा है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट जिस जगह पे हम ये काम, जिस जगह पे हम काम ये कर्म कर रहे हैं, कर्म किसका, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं किस चीज़ का बेटा, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं इंडिया या कॉशन अप्लाई कर रहे हैं, वो जगह इंडियन पिनल कोड, वहाँ पे इंडियन पिनल कोड अप्लाई हो. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इंडियन पिनल कोड शुड बी अप्लाई एट अ प्लेस वेयर द कॉशन इज कमिटेड. वट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी दैट कि उसके वहाँ पे वेदर द एक्ट एक्ट इज कवर्ड इन अंडर इंडियन पिनल कोड ओ नॉट. फॉर एग्जाम्पल हाई सी के अंदर जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है, वहाँ पे कोई मिस्टर एक्स कहता है भाई को मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तो मुझे प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट कर जो इंडिया में. कानून ये कहता है कि माना कि वो जगह जहाँ पे आपने धमकी दी है वहाँ पे इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होता, लेकिन क्या वो काम इंडियन पिनल कोड ने करने से मना कर रखा है, नहीं कर रखा, यस इंडियन पिनल कोड ने करने से मना कर रखा है. यानी ऐसे सारे एग्रीमेंट्स जहाँ पे इंडियन पिनल कोड नहीं लगता लेकिन इंडियन पिनल काम करने से मना कर रखा है, माना जाएगा और आपके द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे, वॉइडेबल हो जाएंगे. सेकंड, ड्यूरेस वर्सेस कोर्शन. सर ये है क्या, ड्यूरेस जो है इंग्लैंड में वर्ड यूज होता है और कोर्शन के अंदर क्या होता है, कोर्शन इज नीड नॉट टू बी नेसेसरी दैट कि वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉर्शन जो है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी आ सकता है. सर क्या बात करूं, क्या कॉर्शन किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आ सकता है? यस, दाऊद भैया आपको फ़ोन करके कहता है कि भैया अपनी प्रॉपर्टी भेज दो नहीं तो तुम्हें हम उड़ा देंगे. दाऊद भैया आपको फ़ोन करके बोलते हैं भैया आप अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को भेज दो नहीं तो हम उड़ा देंगे. यहाँ पे जो कॉर्शन आ रहा है वो किसी थर्ड पार्टी से आ रहा है. ज़रूरी है कि कॉर्शन जो है सिर्फ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉर्शन जो है किसी थर्ड पार्टी को भी आ सकता है, किसी थर्ड पार्टी को भी किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल दाऊद भैया जो आपके बेटे को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई देख तुझे अपनी जान प्यारे तो ठीक है, नहीं तो तेरे को उड़ा देंगे, तो अपने बापू को कहता है कि वो प्रॉपर्टी उसको भेज दे, तो वहाँ पर कॉर्शन धमकी आपको नहीं दी गई, थर्ड पार्टी ने थर्ड पार्टी को दिया, लेकिन आपका तो दिमाग कर दिया ना ख़राब, आप तो अपने बच्चों को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करोगे. तो सर जो कॉर्शन हो सकता है वो थर्ड पार्टी को भी आ सकता है, थर्ड पार्टी से भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है जब मैं ड्यूरेस के साथ कॉर्शन को अप्लाई करता हूँ तो ड्यूरेस जो है थर्ड पार्टी से नहीं किया जा सकता, ड्यूरेस जो है किसी पार्टी टू व कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया जा सकता है या इसके एजेंट के थ्रू किया जा सकता है, किसी और पार्टी से कॉर्शन नहीं किया जा सकता. तो ड्यूरेस के अंदर अनलॉफुल डिटेनिंग वाला पॉइंट और थ्रेट टू अनलॉफुल डिटेनिंग और प्रॉपर्टी वाला पॉइंट नहीं आता, जबकि कॉर्शन के अंदर चार पॉइंट्स आते हैं, कमिटिंग एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, थ्रेट टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी या थ्रेट टू अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी. ये जो प्रॉपर्टी वाला पॉइंट है, कमिटिंग प्रॉपर्टी वाला पॉइंट जो है वो कहीं भी कहीं ना कहीं ड्यूरेस में नहीं आता, वो किसके अंदर आता है, कॉर्शन में. यानी इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट द डेफिनेशन ऑफ कॉर्शन इज बिग एज कम्पेयर टू डेफिनेशन ऑफ ड्यूरेस. इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट द डेफिनेशन ऑफ कॉर्शन इज बिग एज कम्पेयर टू डेफिनेशन ऑफ द ड्यूरेस. कॉर्शन की जो डेफिनेशन है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू ड्यूरेस की डेफिनेशन से. आई गेस बेटा जू यहाँ तक आपको कॉर्शन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे चैट पर लिख के भेज दीजिए कॉर्शन में. अब बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की. सर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? बेटा जी अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि साहब जब आप सामने वाले की पोजीशन का नजायज फायदा उठाते हो, जब आप सामने वाले की पोजीशन का नजायज फायदा उठाते हो, मतलब सामने वाला कमजोर है और हम उसकी पोजीशन का क्या उठा रहे हैं, नजायज फायदा. यानी वी आर इन अ पोजीशन टू डोमिनेटिंग द विल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वी आर इन अ पोजीशन ऑफ dominating the will of that other person, in that case we can say that there is an undue influence, we can say that there is an undue influence. point bila clear hai. agar aap samne wale ki position ka galat fayda utha rahe ho, sir kya baat karu, hum samne wale ki position ka galat fayda utha rahe ho. for example you guys are my students, I am your teacher, aur jo hai main apni position ka galat fayda utha raha hu taki main aapke upar apna influence karke aapse सस्ते दामों में चीजें ले सकूं, देन द कोर्ट से कि देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, देन द कोर्ट से दैट देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस. आई गेस दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर.
तो बेटा अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अपनी पोजीशन का नजायज फायदा उठा के सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इज सच दैट कि वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन एंड द पर्सन हु इज इन अ पोजीशन ऑफ डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर पर्सन हैज एक्चुअली डोमिनेटेड द विल ऑफ अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अनड्यू एडवांटेज. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अनड्यू एडवांटेज यू गाइज हैव, आपने क्या करा, आपने सामने वाले की पोजीशन का क्या लिया बेटा, एक अनड्यू एडवांटेज लिया है. तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर में केसेस के बारे में बात करूं तो मैंने तीन तरीके के केसेस बना रखे हैं, एक है स्ट्रांग पोजीशन वाला, एक है पर्दानशी वुमेन वाला और एक है रिलेशन वाला. तो एक एक करके हम केसेस के बारे में समझते हैं. पहला केस है प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल. कानून इस केस में कहता है कि आप ये प्रूफ कर देना कि आपके बीच में, आपके और पार्टी के बीच में तीन रिलेशन में से कोई भी रिलेशन है, हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है. हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है. कानून कहता है इन तीन रिलेशन में से कोई सा भी रिलेशन प्रूफ कर देना, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यानी कानून यहाँ पे आपके फेवर में. कहीं ना कहीं कानून क्या कह रहा है कि इन तीन रिलेशन में से कोई सा भी रिलेशन प्रूफ कर दो. अब वो तीन रिलेशन कौन कौन से है? पहला है व्हेन देयर इज अ रियल और अपेरेंट ऑफ अथॉरिटी ओवर द अदर. सर रियल और अपेरेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? रियल और अपेरेंट अथॉरिटी का मतलब होता है कि देखने से ही पता चल जाता है यहाँ पे दोनों पार्टी के बीच में कुछ रिलेशन है. देखने से ही पता चल जाता है यहाँ पे दोनों पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है. और वो कैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे मास्टर एंड सर्वेंट. ओहो, I have done the zoom out. कुछ दिक्कत हो गई थी. Now, देखने से ही पता चल जाता है यहाँ पे दोनों पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है. There is a relation between two parties. अब सर वो दो पार्टी कौन कौन सी है? First है, first अगर मैं बात करूँ, first है there is a master and servant, parent and child, income tax officer and assessor, प्रिंसिपल एंड ना टेम्प्रेरी टीचर. इन केसेस में देखने से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे पार्टीज़ के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है. यहाँ पे पार्टीज़ के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है. सेकंड क्या है, व्हेन देयर इज़ अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप. फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप. व्हेन देयर इज़ अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, सर ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप को आप एक्सप्लेन कर दो. बेटा मैं आपको इसके अंदर है ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, सर जरा आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देना. मैंने कहा हाँ बेटा, मैं आपको इसके फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को एग्जांपल देता हूँ, बाबा और बाबा की चेली की एक स्टोरी सुनाता हूँ. अंडू इन्फ्लुएंस आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा. एक बार की बात है, एक हमारी बच्चा होती है जिसका नाम होता है माजिया और एक बाबा होते हैं, बड़े गजब बाबा है, बाबा रंजन बाबा होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी वाले, एक नंबर के डैश बाबा होते हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स भर लेना अपने आप ही. अब माजिया जो बच्चा होती है वो बहुत रिच होती है, बहुत रिच, अंग बहुत पैसा, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है माजिया के पास, 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है. एक बार हमारे रंजन बाबा दे रहे होते हैं, क्या दे रहे होते हैं, प्रवचन कि बच्चा खाली हाथ पे आया था खाली हाथ जाएगा, ऐसे दे रहे होते हैं सब. बाबा रंजन की जय हो, बाबा रंजन की जय हो. माजिया पहुंच जाती है, ऐसे बेचारी घूम रही होती है, बाबा का प्रवचन सुन के माजिया, बाबा बाबा मैं आपके चरणों में आ रही हूं, बाबा आप ही मेरे बाबा हो, बाबा आप ही मेरा बेड़ा पार करोगे, बाबा बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा रंजन की जय हो. ऐसे भैया माजिया बेटा कह रही होती है, बाबा रंजन को पता होता है माजिया बहुत पैसे वाली है. बाबा कहता है मुर्गी आ गई हत्ते में आज. बाबा कहते हैं माजिया जी आइए हम आपसे अपनी कुटिया में बात करते. बाबा माजिया बेटा को कुटिया में ले जाता है, कुटिया में बहुत सारे भक्त और बैठे होते हैं, माजिया बेटे और बाबा कुटिया में. बाबा माजिया बेटे को अपनी बातों में फंसा लेते हैं,
कि माजी हम ऐसा करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, उस गांव के अंदर एक ज़मीन है 200 एकड़, हम सोच रहे हैं कि हमें कोई बेच दे, हमारे पास तो माजी जी हम तो गरीब इंसान है, 5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो ज़मीन है 150 करोड़ की। बाबा को पता होता है ज़मीन माजिया की, माजी कहते बाबा टेंशन का ले रहे हो, बाबा मैं अपनी आपको 5 करोड़ की ज़मीन दे रही हूँ, मैं बाबा आपको 5 करोड़ की ज़मीन दे रही हूँ। माजिया एंटर कर जाती है, यहाँ पे बाबा ने करा गया है मेरा, मेरी प्यारी सी माजिया बेटी के ऊपर बाबा ने यहाँ पे अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया। क्यों? क्योंकि माजिया कहीं ना कहीं हमारे बाबा के ऊपर क्या करती है, ट्रस्ट करती है। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है ट्रस्ट वाले रिलेशनशिप, क्योंकि बीच में क्या कुछ ना कुछ ट्रस्ट है। जैसे ट्रस्टी बेनिफिशियरी, स्पिरिचुअल एडवाइज़र बाबा, बाबा के चेले, एडवोकेट्स और उसके क्लाइंट्स, गार्जियन और वार्ड्स। तो इन केसेस के अंदर यहाँ पे मान लिया जाएगा भैया यहाँ पे क्या है, बाबा ने क्या करा, अंडू इन्फ्लुएंस किया। और अगर बाबा ने यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस किया तो बेटा टेंशन नहीं नक्को, टेंशन नक्को बाबा, बाबा ने अगर केस किया तो भैया टेंशन नक्को, बाबा ने अगर अंडू इन्फ्लुएंस किया कोर्ट में चले जाना, कोर्ट मान लेगा यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस है। अब बाबा प्रूफ करेगा कि यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस है भी या नहीं है, बाबा प्रूफ करेगा कि यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस है भी या नहीं। आई गेस यहाँ तक पॉइंट समझ में। तो बेटा तीसरा रिलेशन है, एक काम करते हैं आज हम अंडू इन्फ्लुएंस से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कल 3 बजे से, इवन मैं 2:30 बजे ही ऑन हो जाऊंगा, तो कल हम 2:30 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक मैं लाइव रहूँगा। इट्स अ ह्यूज टाइम एंड वी विल रिवाइज द रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रिमेनिंग वाला जल्दी हो जाएगा पोर्शन, एंड वी विल रिवाइज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एज वेल एज पार्टनरशिप एक्ट। आ गया अब आया वासु जी ने, अब ज्वाइन कर लिया ना भाई साहब, आइए केसेस यहां पे। तीसरा केस क्या था बेटा, तीसरा केस ये है कि अगर कोई मेडिकल इनकम्पिटेंट पर्सन है जो टेम्परेली मेडिकली इल है, आप उसके साथ रहते हो, अगर आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कौन कोर्ट ये मान सकता है कि उसके साथ आपने अंडू इन्फ्लुएंस किया। ऑब्वियस है, जब कोई बंदा बहुत बीमार होता है तो वो कहीं ना कहीं जो बंदा उसकी सेवा कर रहा होता है उसके साथ अटैच्ड हो जाता है, तो इसका अटैच होने का मतलब ये तो ना कि आप जो है उसका अंडू एडवांटेज लोगे, यू आर नॉट सपोज टू टेक द अंडू एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। केसेस जहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेंगे कि देर इज नो डोमिनेशन ऑफ विल, जैसे जैसे केसेस वेयर देर इज नो प्रिजम्पशन, सन एंड फादर के केस में कोर्ट मान लेते हैं यहाँ पे कोई डोमिनेशन ऑफ विल नहीं, यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। मदर एंड डॉटर के केस में, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के केस में, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के केस में, यस विशाल द गाइज आर हियर, डेटर एंड क्रेडिटर के केस में, इन केस के अंदर कोर्ट पहले ही अज्यूम कर लेगा कि यहाँ पे क्या है बेटा, अंड्यू इन्फ्लुएंस है। कोर्ट कहीं ना कहीं अज्यूम कर लेगा यहाँ पे क्या है बेटा, अंड्यू इन्फ्लुएंस है। अब यहाँ पे ये चीज कर लेना, अगर अंड्यू इन्फ्लुएंस है तो ये अज्यूम कर लेना कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। अगर अंड्यू इन्फ्लुएंस है तो भैया कोर्ट ये अज्यूम कर लेगा यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पर्सन हुज कंसेंट इज नॉट फ्री, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, यानी सामने वाला चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा सकता है। सर जी सन और मदर नहीं हो सकता है क्या? नहीं बेटा, सन एंड मदर के केस में अंडू इन्फ्लुएंस अज्यूम कर लिया जाता है। बेटा इफेक्ट ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस को भी फ्लैग कर दो, मैं इसको अभी इकट्ठा ही लूँगा, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझाते के साथ ही लूँगा। कौन प्रूफ करेगा अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है कौन? बेटा आपको यहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोर्ट में प्रूफ करना है कि यहाँ पे आपके और सामने वाली पार्टी के बीच में वो रिलेशन है, तो कोर्ट ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा कि यहाँ पे क्या है, अंड्यू इन्फ्लुएंस है। कोर्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा कि यहाँ पे क्या है, अंड्यू इन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर सामने वाला बंदा कुछ चीज़ें प्रूफ कर देता है, लेकिन अगर सामने वाला बंदा कुछ चीज़ें प्रूफ कर देता है
तो सामने वाला कुछ चीज़ें प्रूव क्या कर देता है, फॉर एग्जाम्पल बाबा ये कह देता है कि साहब मैंने तो कंसिडरेशन पूरा दिया था, मैंने इसको सारी बातें बताई थी, मैंने इसको सारी बातें बताई थी और मैंने इसको कंसिडरेशन क्या दिया था बेटा, पूरा दिया था। मैंने कंसिडरेशन क्या दिया था साहब, पूरा दिया था। मैंने इसको सारी बातें क्या करी थी, डिस्क्लोज करी थी। मैंने सारी बातें डिस्क्लोज करी थी, मैंने मैंने इसको कंसिडरेशन पूरा दिया था। एंड जो सामने वाला बंदा है वो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से भी इस बारे में पूछ सकता था, तो कानून ये कहता है, तो कानून ये कहता है कि यहाँ पे क्या है बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो कानून क्या कहता है यहाँ पे, क्या है बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर सामने वाला बंदा ये तीन चीज़ें प्रूफ कर देता है, सर क्या तीन चीज़ें प्रूफ कर देता है बेटा, कि मैंने इसको सारी की सारी बातें प्रॉपरली डिस्क्लोज करी थी। सामने वाला ये बंदा प्रूफ कर देता है कि मैंने सारी की सारी बातें इसे क्या करी थी, प्रॉपरली डिस्क्लोज करी थी। मैंने इसको ये भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने पूरा का पूरा कंसिडरेशन, मैंने जो कंसिडरेशन दिया दैट इज़ एन एडुकेट, मैंने जो कंसिडरेशन दिया दैट इज़ एडुकेट। कंसिडरेशन क्या है सर, बिल्कुल एडुकेट है। कंसिडरेशन क्या है सर, बिल्कुल एडुकेट है। उस केस के अंदर, कोर्ट क्या कहेगा, उस केस के अंदर कोर्ट भी कहेगा कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। तीन चीज़ें सामने वाले बंदे को प्रूफ करनी है, कंसिडरेशन एडुकेट है, सारी बातें डिस्क्लोज करी है, एंड वो बंदा तीसरी पार्टी से क्या ले सकता था, इंडिपेंडेंट एडवाइस ले सकता था। उस केस के अंदर यहाँ पे क्या माना जाएगा, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। आई गेस बेटा जी आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई भी बात नहीं, कोई भी बात दिक्कत नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, आ गई ना, आ गई, ओके ओके बोलो ओके। अनकॉन्शियबल ट्रांजेक्शन, अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन के केस, सर इस केस में समझना, यहीं से मैं आपको इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस लेके चलूंगा। गाइज इफ यू गाइज आर ऑनलाइन प्लीज सेंड मी एन मैसेज ऑफ ओके इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स। अनकॉन्शियबल या अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन, भाई एक बार की बात है, हमारे जो एक औरत होती है विधवा होती है बेचारी, उसके पास पैसे नहीं होते खाने पीने के लिए। एक औरत विधवा होती है उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते, दर दर ठोकरे खा रही है, कोई मुझे 1,000 रुपये दे दो मैं खाना खा लूँ और खेती कर लूँ, दर दर ठार ठोकर खाती है। तभी उस गांव के अंदर सबसे बड़ा जमींदार होता है, उस जमींदार का नाम होता है राज द कंजूस, जमींदार का नाम होता है राज द कंजूस। जब वो जाती औरत राज के पास कहती है बाऊजी, बाऊजी मुझे 1,000 रुपये दे दो बाऊजी, मैं आपके शरण में आई हूँ बाऊजी, मना मत करना। राज कहता है मैं 1,000 रुपये दे दूंगा, टेंशन ना ले। राज कहता है मैं 1,000 रुपये दे दूंगा, टेंशन ना ले, लेकिन बढ़िया औरत मैं तुझसे, लेकिन बढ़िया औरत मैं तुझसे 100% पर एनम का इंटरेस्ट लूंगा। मैं तुझसे कितने परसेंट का इंटरेस्ट लूंगा बेटा, 100% पर एनम का इंटरेस्ट लूंगा। राज कहता है ठीक, वो औरत कहती है ठीक है। अब 6 महीने बाद मैं उस रोस्ते से गुजर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ बुढ़िया औरत क्या हुआ, अम्मा बेटा ऐसे ऐसे हुआ बेटा कुछ तो कर। मैंने कहा अम्मा तो टेंशन ना ले, तेरा बेटा हूँ मैं, टेंशन ना ले। मैंने राज को केस की कॉपी भेज दी, मैंने जज साहब ये, मैंने राज हम केस लड़ना चाहते हैं केस में। अब राज ने जो है माजिया बेटा को अपॉइंट कर दिया, माजिया और अरीबा बहुत बड़ी लॉयर थी उस एरिया की, कहती देख लेंगे आज इस बुढ़ऊ को, क्लास में बड़ी हमारी बेइज्जती करा करता था, है बहुत बोलता था, आज तो इसको हम कोपचे केस। रात को टेंशन मत ले, हमें अपने पुराने बदले भी लेने। राज कहता ठीक है बदले लेने, टेंशन नहीं है, हम तो बदला तो लेना ही है इनसे। ठीक है भाई, राज भैया ने भाई साहब केस लड़ा। मैं जज साहब गया, मैं कहा जज साहब मेरी बुढ़िया को देखो,
बड़ी मासूम है। इस राज को देखो 100% इंटरेस्ट ले रहा है। जैसा आप कहते हो हाँ बड़ा सही कह रहे हो विनीत जी, बिल्कुल सही कह रहे हो 100%। 100% कोई तरीका होता रेट ऑफ इंटरेस्ट का? मैंने जैसा आप सही कह रहे हो परफेक्ट। माजी और रीवा कहते हैं सर जी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, बुढ़ी औरत को कहो 100 रुपये निकालो। मैंने कहा बुढ़ी औरत तू केस जीत गई भाई। कहती है भाई विनीत बर्बाद हो गई। मैंने कहा भाई पैसे कहाँ हैं, तो फसल में लग गए, 6 महीने बाद आएंगे, मैं क्या करूँ। मगर जैसा सुसु आई है, 5 बज गए थे। मैंने देखा 5 बजने वाले हैं, कोर्ट एडजोन होने वाली है। मैं 10 मिनट वॉशरूम में लगा दिए। इतने में जज साहब ने कह दिया कोर्ट एडजोन। मैंने कहा जय जीत गई। मेरे असिस्टेंट ने कहा सर जी 2 दिन के लिए कोर्ट एडजोन हो गया, 2 दिन बाद डेट मिली। मैंने टेंशन नक्को। यहाँ पे मैं क्या प्रूफ करने में लगा हुआ था कि साहब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, सामने वाला पर्सन इस पोजीशन में था कि वो मेरा गलत फायदा उठा रहा, तो उसने उठाया। कोर्ट ने भी ये बात मान ली। कोर्ट कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देते हैं। मैं जज साहब से कहता हूं जज साहब सेक्शन नंबर 19A के अंदर ये लिखा हुआ है, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकते हो। जज साहब कहते हैं विनीत जी टेंशन नको, हम आपका जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% वो रख देते और आप 1 साल बाद 6 महीने बाद पैसे दें। मैंने जज साहब डन। यानी बेटा इस एग्जाम्पल से देखना इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, बट ऑन द अदर साइड अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, यहाँ पे जज के पास यानी कोर्ट के पास ये राइट है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वैलिड कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द है। वीकर पार्टी ये प्रूफ कर रही है कि ट्रांजेक्शन अनरीजनेबल है, प्राइस अनरीजनेबल है, लेकिन स्ट्रॉन्गर पार्टी क्या प्रूफ कर रही है, सब कुछ सही है, कंसिडरेशन सही है, मैंने कोई डोमिनेट नहीं करी। जो प्रूफ कर देगी कोर्ट उसकी बात मान लेगा। लेकिन मार्केट में पैसों की तंगी है, ठीक है सर, मार्केट में पैसों की तंगी है। आप जो है 24% का इंटरेस्ट मार्केट में मिल रहा है, आप कहते हो कि भाई आप कहते हो कि हम 24% पे नहीं देंगे, हम आपको 27% पे देंगे। आप 27% पे ले तो क्या वो अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं भाई, अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि सामने वाला आपकी पोजीशन का जायज फायदा उठा के एक्स्ट्रा ऑर्बिनेंट काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन है। अदरवाइज वो अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन नहीं है, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज नॉट अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन। लेकिन सामने वाला अगर आपकी पोजिशन का नाजायज फायदा उठा के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अनड्यू, दैट इज कॉल्ड एज अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन। आपके पास राइट है, आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकते हो, रद्द करवा सकते हो। नाउ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्दानशी वूमेन। पर्दानशी वूमेन क्या होती है बेटा? वो वूमेन होती है जो कि पर्दे में रहती है। वो वूमेन होती है जो पर्दे में रहती है, अपने घर के मर्दों के अलावा किसी और से बात नहीं कर सकती। क्या सर आज के देश में, आज के टाइम में भी पर्दानशी वूमेन्स हैं? यस बेटा, आज के टाइम में भी पर्दानशी वूमेन है। आज के टाइम में भी क्या बेटा? पर्दानशी वूमेन है। अगर आपने पर्दानशी वूमेन के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करा, तो आपके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट अंड्यू इन्फ्लुएंस से मान लेगा। कोर्ट एज्यूम कर लेता अगर आपने पर्दानशी वूमेन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो एज्यूम कर लेगा अंड्यू इन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें प्रूफ कर दोगे तो कोर्ट मान लेंगे आप पे अंड्यू इन्फ्लुएंस नहीं। आप ये प्रूफ कर दो, मैंने इसको सारी बातें बताई थी, मैंने इसको समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैंने इसको समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने इसको ये भी कहा था कि तू थर्ड पार्टी से इंडिपेंडेंट एडवाइस ले सकती है। शिवाज इन रिसीप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइस। अगर ये कंडीशन आप पूरी कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किसके थ्रू मान लिया जाएगा?
अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू नहीं माना जाएगा। अगर मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन करूँ तो तीन केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस आ रहा था। पहला था वो रिलेशन वाला केस, सेकेंड था पर्दानशी वुमेन वाला केस, और तीसरा था अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन वाला। दोनों केसेस में कोर्ट एज्यूम कर रहा था, अदर पार्टी को प्रूफ करना पड़ा था यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन वाले केस के अंदर आपको प्रूफ करना पड़ रहा था यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है। बेटा आज को यहीं पे रोकता हूँ मैं सेशन, कल 2:30 बजे से हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को लाइव। डोंट फॉरगेट टू कम एट टू अंडरस्टैंड व्हाट मैथमेटिक्स के एक और अनदर क्लास के लिए, डोंट फॉरगेट 9:30 बजे आपके लिए, आपका विनीत जैन तब तक ले चलता है। आज के लिए बाय बाय, टाटा शब्बा खैर, मिलेंगे आपसे, जय हिंद दोस्तों, कल 2:30 बजे।